हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इशिताज वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन कोरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, चिकन कोरमा के लिए हमने 400 ग्राम चिकन ले रखा है, एक बड़ा साइज का प्याज है और दो मीडियम साइज के प्याज हैं, एक बाउल दही ले रखा है, दो बड़े चम्मच भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट ले रखा है, कुछ खड़े मसाले ले रखे हैं, जीरा, छोटी इलायची, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च। इन्हें हमें भून के पीस लेना है। और इधर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले रखे हैं, काजू, बादाम, ये नारियल है, ग्रेटेड कोकोनट, और वो तरबूज के बीज हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और तेल भी डाल दिया है, तेल गर्म भी हो गया है। तेल आप 3 से 4 बड़े चम्मच के हिसाब से तेल ले लीजिए, क्योंकि हमें ये प्याज को फ्राई करना है, तो मैं इसमें प्याज डाल दे रही हूँ। ये देखिए, जब तक हमारा प्याज फ्राई हो रहा है तब तक मैं ये मसाले भी यहाँ भून लेती हूँ। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का हल्का सा रोस्ट टाइप का करके, फिर ठंडा करके हम इसे पीस लेंगे। ये देखिए, ये अभी तक हाई फ्लेम पे फ्राई हो रहा था, अब ये जितना ये ब्राउन होने लग गए हैं, इस स्टेज पे मैं गैस धीमा कर दूंगी, क्योंकि फिर प्याज जलने लग जाएंगे, वो फ्राई नहीं होंगे। तो अब हम लो फ्लेम पे ही इसको और फ्राई करेंगे। ये देखिए, मैंने आधे से ज़्यादा प्याज निकाल लिया है और थोड़े से प्याज मैंने उसमें रख दिए हैं। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। इसे भूनेंगे हाई फ्लेम पे। ये देखिए, चिकन अच्छे से भून गया है। अब मैं इसमें ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करूंगी। चलिए इसमें मसाला डालते हैं। एक भर के चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, मैं 1 से 1.5 चम्मच ऐड कर रही हूँ, और कश्मीरी लाल मिर्च, और रेड चिली पाउडर। अब मैं ये दही, ये ड्राई फ्रूट्स और ये फ्राइड अनियंस, इन तीनों को एक साथ पीस के अच्छा सा पेस्ट बना लूंगी। आप अलग अलग भी पीस सकते हैं, पर हमें एक साथ ही डालना है, तो मैं एक साथ ही पीस लूंगी। ये देखिए, पेस्ट तैयार हो गया है और अब मैं इसे ऐड कर दूंगी इसी में। अभी हम इसे हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेंगे चलाते हुए। अब मैं ये गरम मसाला इसमें ऐड कर दूंगी। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी उस हिसाब से डालिएगा कि अभी हमें चिकन को और पकाना भी है, तो ये पानी और सूखेगा, और काजू और बादाम है तो वो और ड्राई करेगा ग्रेवी को। अब मैं लो फ्लेम पे इसका लीड लगा के इसे पकने दूंगी, जब तक चिकन अच्छे से कुक ना हो। देखिए, 5 से 10 मिनट हो गए इसे कुक होते हुए। अब हम इसमें ये कसूरी मेथी ऐड करेंगे। ये
देखिए ये अच्छे से पक गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। अब इस स्टेज पे मैं गैस ऑफ कर दूंगी और सर्व करके दिखाऊँ। देखिए हमारा चिकन कोरमा रेडी हो चुका है और ये कितना यम्मी लग रहा है। आप इसे नान के साथ, पराठे के साथ या रोटी के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही यम्मी लगता है, इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।